आज मैं आपको दैन और देन के बीच का फर्क बताना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग गलती करते हैं और दोनों को स्विच कर देते हैं, मतलब देन की जगह दैन, दैन की जगह देन का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले दैन को समझिए। दैन का यूज करते हैं हम कंपैरिजन के लिए, जब हम तुलना करते हैं। जैसे कि एडी मुझसे छोटी है तो मैं बोलूंगी एडी इज यंगर दैन मी, और मैं एडी से बड़ी हूँ तो एडी बोलेगी माय मॉम इज ओल्डर दैन मी। तो ये हुआ दैन का यूज। एडी ईट योर एप्पल। Mama, let me eat this, then I'll eat this apple. तो देखा आपने, एडी ने कहा कि मम्मा मुझे ये खा लेने दो, फिर मैं ये एप्पल खाऊंगी। तो जब फिर का यूज किया मतलब उसके बाद मैं ये करूंगी, तब देन का यूज किया। गाइज, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ फिर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप क्या यूज करेंगे? आई वॉच योर वीडियोज डैश आई प्रैक्टिस देन या फिर देन। कॉमेंट सेक्शन में लिखे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।